जय श्री कृष्णा। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भगवान शिव की लीला के बारे में। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण लीलाधर है, वो लीलाएं करते हैं, जिस प्रकार से जो आम व्यक्ति होता है जिसकी भागवताकार बुद्धि नहीं होती है, भागवताकार उसकी वृत्ति नहीं होती है, तो वो व्यक्ति केवल यही समझता है कि भगवान श्री कृष्ण तो केवल एक साधारण लड़कियों की ओर आकृष्ट होते हैं, और वो तो लंपट हैं। कुछ इस प्रकार से लोग सोच लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो स्त्री लंपट है, किंतु वास्तविकता में उनकी जो बुद्धि है वो इस भौतिक जगत के द्वारा, इसकी जो चकाचौंध है इसके द्वारा हर ली गई होती है। वो भौतिक जगत को मतलब देखता है, किंतु आध्यात्मिक बुद्धि वो नहीं कर पाता है। यदि उसकी आध्यात्मिक बुद्धि जो है वो दृढ़ नहीं होगी, तब तक भगवान श्री कृष्ण को समझने में व्यक्ति असमर्थ ही रहेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, कि व्यक्ति को बुद्धि मैं देता हूँ कि वो व्यक्ति जो है वो मुझको समझ सके। इसीलिए अब भगवान श्री कृष्ण बुद्धि देंगे कैसे, ये भी समझने की बात है। जब भगवान श्री कृष्ण ही हमको ब्रेन दे रहे हैं स्वयं को समझने का, तो जो जितने लोग नास्तिक हैं या फिर जितने लोग भगवान श्री कृष्ण को नहीं मान रहे हैं, आखिर उनको भगवान ऐसी बुद्धि क्यों नहीं दे रहे? इसका कारण है समर्पण। यदि हम भगवान को समर्पण नहीं होंगे, देखिए जिस प्रकार से अगर हम किसी के सामने जाएं, हम अपने गुरु के सामने जाएं, या फिर हम किसी टीचर के पास जाएं जो स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, और हमारे मन के अंदर कोई प्रश्न हो, यदि हम उनके ऊपर आक्षेप करेंगे और उनसे प्रश्न करेंगे, तो वो समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति प्रश्न नहीं करना चाहता, ये व्यक्ति मेरी परीक्षा ले रहा है, तो वो आपको नहीं बताएंगे, आपको उत्तर ही नहीं देंगे। ठीक इसी प्रकार से आपको उनके सामने समर्पण करना पड़ेगा। आपको जब प्रश्न पूछना है तो आपको आपका जो हृदय है वो सरल होना चाहिए, जो भाव है वो सरल होना चाहिए। जब आप सरल हृदय से प्रश्न करेंगे तो गुरु आपको उत्तर अवश्य देंगे। ठीक उसी प्रकार से समर्पण, यदि हम भगवान को समर्पण कर दें स्वयं को, यदि हम स्वयं को समर्पित कर देंगे भगवान को, तो स्वयं भगवान हमको वो बुद्धि, वो बल, वो वेग प्रदान करेंगे जिससे कि हम भगवान को समझ सके। अन्यथा जो हमारी बुद्धि है, जो अपनी बुद्धि है, उसके सामर्थ्य से हम भगवान को समझ लें, यह संभव है। क्योंकि भगवद गीता के अंदर ददामि बुद्धि योगम तम बोला गया है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, दिव्यम ददामि ते चक्षु, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य चक्षु दिए किसको, अर्जुन को, उनका विश्व रूप देखने के लिए। तो अर्जुन की आंखों में वो सामर्थ्यता नहीं थी कि वो भगवान श्री कृष्ण का रूप देख सके। भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करके अर्जुन को वो सामर्थ्यता प्रदान की जिससे कि अर्जुन वो रूप देख सके। तो ठीक उसी प्रकार से ये सारी सामर्थ्यता हमको प्रदान कौन करेगा, स्वयं भगवान प्रदान करेंगे। तो इसीलिए हम पूर्णतया भगवान पर निर्भर हैं और समर्पित भी उन्हीं को। तो जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की जो 16108 गोपियों वाली रासलीला है उसको लोग गलत समझते हैं, ठीक इसी प्रकार से भगवान शिव की भी एक लीला है जिसमें भगवान शिव भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की ओर आकृष्ट हो जाते हैं, और लोग समझते हैं कि ओहो भगवान जो शंकर हैं वो तो बड़े ही लस्टी डिज़ायर वाले हैं। अब इनका जो ऐसा डिज़ायर है, आखिर ये भगवान कैसे, ये तो एक साधारण जीव है, चलो इनको जीव की उपाधि दे दी जाए, या फिर इनको एक साधारण वैष्णव की उपाधि दे दी जाए, या फिर इनको बस इतना हम कह देते हैं कि ये सर्वोच्च वैष्णव तो हैं किंतु भगवान ये नहीं है, हम इनको भगवान की उपाधि बिल्कुल नहीं देंगे, इसीलिए हम इनको एक साधारण देवता कह सकते हैं। तो लेकिन क्या ऐसा वास्तविकता में है? देखिए जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण 16108 रानियों के साथ रास रचाते हैं, तो उसके पीछे का रहस्य प्रकट होता है कि वेदों के 3 कांड होते हैं, भक्ति उपासना कांड, कर्म कांड और ज्ञान कांड। तो जो भक्ति उपासना कांड है उसके 16000 मंत्र हैं, वही जो 16000 मंत्र हैं एक गोपी का फॉर्म बना लेते हैं और वही गोपियों के रूप में प्रकट होते हैं, उन्हीं का प्रादुर्भाव होता है। वही जो मंत्र हैं वो भगवान के संग रास करते हैं। इसका अर्थ क्या है कि यदि हमको वेदों का अर्थ समझना है तो हमको भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना भगवान की शरण लिए हम उन वेदों के तात्पर्य को कदापि समझने में समर्थ नहीं हो सकते। क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण है वो पर ब्रह्म है, और जब हम पर ब्रह्म की जो समीपता है उसको स्वीकार करते हैं, जब हम उनकी सत्ता को स्वीकार करते हैं,
क्योंकि वेद जो श्रीमद् भागवत जी में बताया गया है, जो वेद स्तुति है जय 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 जाम जित, तो उसमें जो वेद हैं, जो श्रुतियां हैं, वो भगवान का ही वर्णन करती हैं, वो भगवान को नींद से जागृत करती हैं। हे अजित, आप उठिए और इस माया का नाश करिए, इस प्रकार से वो भगवान की स्तुति करती हैं। तो जब हम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे तभी हम उनके सही तात्पर्य को समझ सकते हैं। तो वेदों के जो 16,000 मंत्र हैं वही गोपी बनकर के आए और भगवान के साथ रास रचाने लगे। अब ये 8 जो हैं, जो एक सीक्वल से 8 नंबर आता है, वास्तविकता में ये क्या है? तो भगवत गीता के अंदर बताया गया है, भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इतियम्य भिन्ना प्रकृति अष्टधा, अर्थात कि भगवान की 8 प्रकार की प्रकृति ही जो है वो भगवान की 8 मेन पटरानियां हैं। तो भगवान की 8 जो ये प्रकृति बताई गई हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और ये चित्त, यही वास्तविकता में जो है भगवान की 8 प्रकार की प्रकृति है। अब भगवान की जो ये 16,000 और 8, इस प्रकार से भगवान की लीला चली। तो वास्तविकता में साधारण जो लड़कियां हैं, ऐसा तो नहीं है कि एक साधारण लड़का है, एक साधारण लड़की है और एक दोनों दूसरे की ओर आकृष्ट हुए और उनका विवाह हुआ, नहीं, ये इस प्रकार बिल्कुल भी नहीं है। ये एक दिव्य लीला है, जो कि इसको हम तभी समझ सकते हैं जब हम गुरु की शरण में जाए, जब हम भगवान की शरण में जाए। जब हम भगवान की शरण में नहीं, गुरु की शरण में नहीं, तो ये लीला हमसे बहुत दूर है, हम इनको समझने में बिल्कुल असमर्थ हैं। हम एक शब्द भी भगवान के लिए अपने मुख से कुछ निकालें, ये भी भगवान की ही कृपा है। तो भगवान शिव की ये लीला आखिर क्या है, चलिए भगवान शिव की लीला के बारे में जानते हैं। तो जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। तो भगवान विष्णु ने जब मोहिनी का रूप धारण किया, तो जो भगवान विष्णु हैं वो क्या है, वो अग्नि स्वरूप है। और पृथ्वी जो थी वो पहले एक आग का गोला थी, ये वैज्ञानिकों ने भी माना है कि जो पृथ्वी है वो पहले आग का गोला थी। गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता, अर्थात कि जितने भी लोग हैं वो मेरे ऊपर आश्रित हैं। अहम वैश्वानरो, वैश्वानर माने क्या होता है, अग्नि। तो जो अग्नि है वो जो मनुष्य के उदर के अंदर है, पेट के अंदर जो अग्नि है ना, वो भगवान श्री कृष्ण है। तो विष्णु जी क्या है, भगवान विष्णु जी क्या है, अग्नि स्वरूप है। तो भगवान श्री कृष्ण भी गीता में क्या बता रहे हैं, अहम वैश्वानर, यानी कि मैं अग्नि हूँ मनुष्य के उदर के अंदर, जो कि भोजन की जो भोजन है उसका पाचन करती है। जिस प्रकार से हम बाहर हवन कुंड देखते हैं, तो जो बाहर हवन कुंड बना हुआ है और बाहर से जो हवन की सामग्री उसके अंदर डलती है, तो उसके लिए अग्नि प्रज्वलित की जाती है, उसके अंदर घी आदि डाल करके फिर उसके अंदर सारी आहुतियाँ दी जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से बाहर ये हमारा जो अंदर आप देख रहे हैं ये हवन कुंड है। बाहर भी हवन कुंड, अंदर भी हवन कुंड, बाहर भी सूर्य और अंदर भी सूर्य, मतलब कितना वैज्ञानिकता है। अब जो बाहर सूर्य है वो देखने में आ रहा है कि एक सूर्य है जो सारे जगत को प्रकाशमय करता है, किंतु हमारे शरीर में आके सूर्य क्या है, सोचने की बात है। तो जो शरीर के अंदर सूर्य है वो है नेत्र। हमारे शरीर के अंदर भी सूर्य हो गए और बाहर भी सूर्य हो गए। अब बाहर भी चंद्र है और शरीर में भी चंद्र है। शरीर में चंद्र कौन है, शरीर में चंद्र जो है वो है मन। अंदर भी चंद्र और बाहर भी चंद्र। अब शरीर के अंदर भी गंगा, यमुना, सरस्वती हैं और बाहर भी गंगा, यमुना, सरस्वती हैं। अच्छा, बाहर गंगा, यमुना, सरस्वती देखने में आती हैं, किंतु अंदर जो हमारे शरीर के अंदर गंगा, यमुना, सरस्वती हैं वे कौन हैं? जो हमारे शरीर के अंदर गंगा, यमुना, सरस्वती हैं वो हैं इड़ा, पिंगला, सरस्वती। ये 3 प्रकार की नाड़ियां हमारे शरीर के अंदर हैं, वही गंगा, यमुना, सरस्वती हैं। तो बाहर गंगा, यमुना, सरस्वती और भीतर भी गंगा, यमुना, सरस्वती, नाम थोड़े भिन्न हो जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से पूरा वैज्ञानिकता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि शरीर की शुद्धि भी हमको रखनी चाहिए। जिस प्रकार से बाहर जो हवन कुंड होता है, जब हम हवन करते हैं तो जितनी आहुतियाँ देते हैं वो सब भगवान को समर्पित होती हैं, किंतु उसमें हम कभी भी कोई खाद्य पदार्थ ऐसा नहीं डालते जो खाने के योग्य ना हो, वो ही पदार्थ लिया जाता है जो शास्त्र सम्मत हो। तो ठीक इसी प्रकार से ये भी हवन कुंड है, इसके अंदर हम वही पदार्थ डालें जो शास्त्र सम्मत हो।
तो जो समुद्र मंथन था, जब समुद्र मंथन की कथा हो रही थी उस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया तो सभी लोगों को भगवान विष्णु ने अमृत पिलाया, देवताओं को भी अमृत पिलाया, राक्षसों को भी अमृत पिला रहे थे। किंतु राक्षसों को पहले नहीं पिलाया, देवताओं को भगवान ने अमृत पहले पिलाया। अब जो राक्षसों की पंक्ति में राहु बैठा, उसे लगता कि हम राक्षसों का नंबर आने वाला नहीं है। राहु ने चालाकी कर दी, कथा आप सब लोग जानते हैं, मैं आगे बताता हूँ। तो बाद में भगवान विष्णु ने जो मोहिनी अवतार लिया, तो भगवान शिव को इच्छा हुई कि जो भगवान का मोहिनी रूप है ना, वो बड़ा सुंदर है, तो मुझे जो ये मोहिनी रूप है ना, मुझे देखने की बड़ी इच्छा है। तो उन्होंने भगवान से अपनी इच्छा प्रकट की कि प्रभु मुझे है ना, आपका मोहिनी जो रूप है अत्यंत सुंदर है, अत्यंत लावण्यमय है, तो मुझे आपका वो रूप देखना है, आप दोबारा मुझे वो रूप दिखाइए। तो भगवान विष्णु ने कहा आपकी इच्छा है तो मैं अवश्य दिखाऊंगा। तो भगवान विष्णु ने अपना जो मोहिनी रूप है वो धारण किया और भगवान शंकर को अपना मोहिनी रूप दिखाया। तो जो भगवान विष्णु, मैंने आपको बताया कि जो अग्नि के स्वरूप हैं, अर्थात क्या है, वैश्वानर, वैश्वानर को क्या कहते हैं, अग्नि। तो भगवान विष्णु जो अग्नि के स्वरूप हैं, भगवान विष्णु हैं वो हैं अग्नि के रूप में फैले हुए भाव, और जब ये भाव जो है वो इकट्ठी होती है तो यही भाव जो है वो मोहिनी का रूप धारण कर लेती है। जिस प्रकार से भगवान विष्णु को अग्नि का स्वरूप बताया गया, ठीक उसी प्रकार से महादेव को भी चंद्र रूप बताया गया। प्रजापति ने इस रुद्र से कहा कि तू महादेव है, क्योंकि उसका महान दीप्ति वाला नाम रखा, वही चंद्र बन गया। तो हिरण्यमय स्वर्ण है, उसका तीन प्रकार से जन्म हुआ। किस प्रकार से, पहला अग्नि से, दूसरा सोम से, और तीसरा जो है वो सृष्टि के विधायक जलों के वीर्य से। तो लोग ये कहते हैं कि महादेव जो है वो बहुत ही लस्टी डिजायर के थे। इस कौन के ग्रंथों में भी मिल जाता है कि वहां पर किस प्रकार से उन लोगों ने महादेव को जो है लस्टी डिजायर वाला बताया है। तो महादेव का जो मोहिनी अवतार के पीछे भागना है, वास्तविकता में ये क्या है, जो चंद्र है उसका पृथ्वी की परिधि में आकर के चक्कर काटना है। तो ये बहुत ही साइंटिफिक है, किंतु इन लोगों ने इस तरीके से ना बता करके उस लीला को इस प्रकार घुमा दिया कि सीधा ये जो भगवान शंकर की लीला है वो पूरा इनके कैरेक्टर पर आकर इन्होंने थोप दी, और उनको लस्टी डिजायर वाला इन्होंने वहां पर बता दिया कि भगवान शंकर का तो वीर्यपात हुआ। अब चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिधि में आकर के पृथ्वी का चक्कर काटने लग गया। अब ये तो हो गया कि भगवान शिव जो है वो मोहिनी के पीछे भाग रहे हैं। इसके बाद भगवान शंकर जो हैं, जो कि मोहिनी अवतार के पीछे भाग रहे थे, वो मोहिनी को प्राप्त नहीं कर पाते। ठीक इसी प्रकार से जो चंद्र है वो पृथ्वी की परिधि में चक्कर काटता है किंतु पृथ्वी को प्राप्त नहीं कर पाता है। आज भी जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिधि के चक्कर ही काट रहा है, और पहले जो महादेव मोहिनी के पीछे भागे थे वो भी मोहिनी को प्राप्त नहीं कर पाते, केवल उसके पीछे भागते हैं, उसके चक्कर काटते हैं। जो भगवान शंकर का मोहिनी अवतार के पीछे भागना हुआ और भगवान शंकर का वीर्यपात हुआ, तो भगवान शंकर का जहां जहां वीर्य गिरा था वहां वहां पर सोने की उपज हुई। चंद्रमा की जो बर्फ है वो पिघल कर पृथ्वी के ऊपर गिरती है, और फिर क्या होता है, उसके दो तत्व हो गए, एक तो ठंडी बर्फ का पिघला हुआ पानी और दूसरा तत्व उसकी अपनी गर्मी। अब जो चंद्रमा की बर्फ पिघली और वो पृथ्वी के संपर्क में आई, तो पृथ्वी के संपर्क में आने से वो जहाँ जहाँ पर बह बहकर गई वहाँ पर जो पृथ्वी की क्वालिटी थी वो ज़्यादा थी, पृथ्वी की जो गर्माई थी वो ज़्यादा थी और चंद्रमा की क्वालिटी जो थी वो कम थी। तो वहाँ जहाँ जहाँ पर ये गिरी वहाँ पर हुआ सोने की उपज, और जहाँ जहाँ चंद्रमा की क्वालिटी जो है वो ज़्यादा थी और पृथ्वी की क्वालिटी कम, वहाँ पर हुई चांदी की उपज। जिस प्रकार से जो चंद्रमा का बर्फ है वो पिघला, उसका पिघला हुआ पानी तो वो पृथ्वी के संपर्क में आया, पृथ्वी के संपर्क में आने से जो पृथ्वी की गर्माई थी और चंद्रमा की क्वालिटी लो थी, तो वहाँ पर सोने की उपज हो गई। ठीक इसी प्रकार से चांदी की भी उपज हुई, जैसे पृथ्वी की क्वालिटी थी वो लो हो गई थी और चंद्रमा की क्वालिटी हाई हो गई थी, तो वहाँ पर चांदी की उपज हो गई थी। तो ये थी भगवान शंकर की लीला के पीछे की पूरी कहानी। अब जिन लोगों को ज्ञान नहीं होता या फिर जिन लोगों का अध्ययन में बिल्कुल मन नहीं है और जो गुरु से शिक्षा नहीं लेते, जो परंपरा प्राप्त शिक्षा नहीं ग्रहण करते, जो अपने मनमाने आचरणों से, अपने मनमाने ढंग से जो हमको भाता है हम वही लिख देते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि के अंदर कई सारे दोष हैं।
इसीलिए हमको अपनी बुद्धि के द्वारा शास्त्रों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपनी बुद्धि के द्वारा यदि हम शास्त्रों को समझेंगे तो वो बिल्कुल समझ में आने वाले नहीं है, क्योंकि हमारी बुद्धि के अंदर दोष हैं, और वो जो दोष हैं उन शास्त्रों को यदि हम उन दोषों के द्वारा पढ़ेंगे तो उन शास्त्रों के अंदर भी हमको वही दोष दिखाई देंगे। कहते हैं ना कि जैसी विकृत बुद्धि हमारी होती है वैसे ही हम सामने वाले व्यक्ति को, सामने वाले लोगों को भी विकृत समझ लेते हैं। जिस प्रकार से कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि साधु संतों के अंदर श्रद्धा नहीं होती, अब वो केवल यही समझते हैं कि जो जितने साधु संत हैं सबके सब भिखमंगे हैं, किंतु वास्तविकता में क्या वो भिखमंगे होते हैं? वो साधु संत आपके ऊपर कृपा करते हैं। भगवान सूर्यदेव, क्या उनको इस बात की आवश्यकता है कि आप उनको जल चढ़ाओ? सूर्यदेव को बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि आप जाकर के उनको जल दो। जब आप उनके ऊपर जल चढ़ाते हो आप अपने ऊपर कृपा करते हो। भगवान सूर्य उस जल को कलुषित करके आप ही को ब्याज रूप में वापस दे देते हैं वर्षा के रूप में। तो इस प्रकार से हम यज्ञ हवन आदि सब करते हैं, इन सब के पीछे का एक साइंटिफिक नॉलेज है, इन सब के पीछे की एक कहानी है, इस सब के पीछे का एक विज्ञान है। एक साधारण सी बुद्धि हम अपनी जो विकृत है हमारी, जो कई सारी वासनाओं से घिरी हुई है, हमारा अंतःकरण चित्त ये सारी के सारे हमारे जो वासनाओं से घिरे हुए हैं, इनसे यदि हम शास्त्रों का अध्ययन करें, शास्त्रों को पढ़ें तो समझ में आने वाले नहीं हैं। अब यदि कोई भी व्यक्ति अपनी विकृत बुद्धि से भगवान श्री कृष्ण की रासलीला को पढ़ेगा, रासपंच अध्याय को पढ़ेगा, तो उसको पढ़ करके उसकी बुद्धि और विकृत हो जाएगी। रहा बचा जो आस्तिक व्यक्ति है वो भी नास्तिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरु परंपरा से नहीं पढ़ा। जब गुरु परंपरा से शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा तो ऐसा ही होगा। हमको भौतिक जगत के अंदर भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है, टीचरों की आवश्यकता पड़ती है, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको समझ में नहीं आती, उनसे पूछना पड़ता है। तो शास्त्रों को हम अपनी स्वतंत्र माइंड की उपज से किस प्रकार पढ़ सकते हैं, आप खुद सोचिए। जब एक साधारण भौतिक जगत जो है इसके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमको गुरु की आवश्यकता है, तो आध्यात्मिक ज्ञान हम स्वयं प्राप्त कर लें, इतनी क्षमता हमारे अंदर है क्या? क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान से ही सारे ज्ञान निकले हुए हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना इतना सहज नहीं होता है जितना कि हम लोग समझ लेते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान को यदि हमको प्राप्त करना है तो गुरु की शरण लीजिए, और गुरु ऐसे होने चाहिए आपके जिन्होंने सारे शास्त्रों का अध्ययन अच्छा किया हो, जिनको परंपरा प्राप्त ज्ञान हो, जिनकी नकली परंपरा ना हो। तो ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़िए जो लोग अपने ग्रंथों में ये लिखते हैं कि भगवान शंकर बहुत ही लस्टी डिज़ायर के थे। भगवान शंकर तो सबका उद्धार करने वाले हैं, सबके ऊपर करुणा करने वाले हैं, बहुत ही करुणालय वरुणालय हैं। तो इन सारी चीज़ों से आप बच के रहिए, और इस वीडियो को आगे तक शेयर कीजिए उन लोगों के लिए जो लोग ये कहते हैं कि भगवान शंकर बहुत ही लस्टी डिज़ायर के थे। भाई पहले आप पूरी रिसर्च करें, पहले शास्त्रों को अच्छे से पढ़ें, पहले गुरु के पास जाएं, चरणों में जा करके बैठें, प्रणाम करें, सेवा करें, तब जाके अध्ययन प्रारंभ करें, तब आपको कुछ ज्ञान होगा, तब आप कुछ बोलने लायक हो सकते हैं, वरना हमारे कोई सामर्थ्य नहीं कि हम कुछ भी बोल सकें। जय श्री कृष्ण।